मैं अभी घूम रहा हूँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के विदर्भ में जो है रामटेक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, और मैं अभी बैठा हूँ सोनेगांव में, और मेरे आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स बनाता है वो शहरों में बनाता है, लेकिन मैं आज पहुँचा हूँ, एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है वहाँ पर, क्योंकि देखना ये है कि पिछले 10 सालों में जो बड़ी बड़ी बातें विकास की हुई है वो दरअसल यहाँ पर पहुँची है या नहीं है। स्पेशली 10 साल जो पिछले 10 साल थे वो कैसे रहे इनके लिए, काय सांगाल 10 वर्षात पाठीमागच्या काय विकास वगैरे झाला, काय आलं काय इथंपर्यंत। मैंने उनसे काही नाही पूछा है आलं, कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या महसूस किया है सरकार के बारे में। काही नाही आलं। काय काम करता तुम्ही? शेती करता। हे आता गारपीट पडलं, नुकसान नाही आलं, काहीच नाही आलं, काय देऊन राहिले ते सरकार। मैं ट्रांसलेशन करूंगा, ये एक्चुअली मराठी में बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि 10 साल आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बोला ये किसान है, खेती करते हैं, लेकिन 10 सालों में उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे कैसे नहीं हुआ? मोदी जी तो कहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, किसानों है, के पर अपने पास अपने तरफ तो आई नहीं ना, उधर पची होंगी है? जो जो यहाँ के खासदार थे वो यहाँ पर आते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? किए होंगे ये तो नहीं, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं कौन सा खासदार है। तो जो लोक प्रतिनिधि है उनकी बात मैं यहाँ कर कहता हूँ कि चुनाव के टाइम तो वो हर एक छोटे से गांव कस्बे में जाते हैं, लेकिन जब वो चुन कर जाते हैं तब ये छोटे गांव में लोक चुनाव प्रतिनिधि रहता तब आते आता नहीं। है, बाद में आता ही नहीं। आप क्या कहेंगे, कोई आया था? कोई क्यों आया, हाँ आया कि नहीं कोई? ये पिछले 10 साल को कैसे देखते हैं आप? पाहून होता सर्व सर्व माफ करतो, हे करतो ते करतो, आणि काही माफ नाही होत ना, काही नाही ते बिल पडू नाही ते आपले पंपाचे, आम्ही माफ करू माफ करू करतो, आणि ते माफ नाही करत ना, काही नाही ते। मग आता इलेक्शन उद्या, आता बिलं मागायला येतील, आता 1-1 लाख 2-2 लाख आम्ही भरू का बिल? लाईटचे बिल का? वावरातली लाईन तुम्हाला लाईन नाही देत बरोबर। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे बोला था कि ये बिल माफ़ होगा, वो बिल माफ़ होगा, स्पेशली वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो माफ़ होगा, लेकिन माफ़ तो नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? आता था 11 रुपये यूनिट के लोग, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये यूनिट होता था जब, आता 11। हम क्या करना रहे, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है वो भी यहाँ पर बढ़े हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो लोग हैं वो यहाँ पर किसानी करते हैं, खेती करते हैं, खेती इनका मुख्य स्रोत है, जो उत्पन्न का स्रोत होता है वो खेती ही है यहाँ का। आप क्या कहेंगे कि कौन सा इलेक्शन है आपका, कितने साल से वोटिंग करते हो, कितनी वर्ष ज़्यादा वोटिंग करता है, मतदान कितनी वर्ष करता है? हाँ माना तो बापा तो झाले असन तरी हो 15-16 वर्ष मतदान। आता वय किती तुमचं? माझं वय आहे 75। मग मतदान कधी, 60 वर्ष तर कमीत कमी 50 वर्ष तरी केलं असेल मतदान? पन्नासपासून। ये इनसे पूछा मैंने कि आप मतदान जो है वो कितने साल से कर रहे हैं, लेकिन उनके एज से वजह से उन्होंने 15 बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 साल, उन्होंने पूरा अपना लगभग 50 साल तक उन्होंने वोटिंग किया होगा। क्या है मोदी जी के सरकार के बारे में, क्या कहेंगे, मोदी जी का काम कैसा है? मोदी भी अच्छा है ना भाई, सरकार तो अच्छी है। क्या दो चीज़ें बता दो मुझे, क्या अच्छा काम किया उन्होंने, दो चीज़ें बता दो क्या अच्छा काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने हमारे इधर ये रोड रोड का सब भी काम किया ना। और जो महंगाई बढ़ी है, किसानों को भाव नहीं मिलता, कपास जो है 6,000 रुपये से जाता है, वो क्या कहेंगे आप? तो वो तो है भाई, आप ये क्या करें, कहेंगे हमारे कहने से थोड़ी होने वाला है कुछ, होगा क्या, नहीं होता वो। तो जो आपने यहाँ पर जो सांसद चुनकर भेजा था लास्ट जो 2019 का चुनाव था उसमें, उन्होंने कुछ काम किया है आपके लिए? हाँ किया ना, उन्होंने भी किया कुछ काम। क्या किया, दो काम बता दो मुझे। दो
यहाँ पर जो है विदर्भ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सूखे की भी समस्या है, सूखा भी जो होता है वो यहाँ का बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो खेती करते हैं, क्या करते हैं आप? खेती क्या लगाया है? मेथी है अभी, सांबार। सांबार मतलब कोरिएंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और कोथिंबीर मराठी में बोलते हैं, हिंदी में भी कोथिंबीर। तो हम पावसन पूर्ण चेंदा बनोलो गाड़पी डाला ना। पिछले हफ्ते यहाँ पर जो है वो बारिश हुई थी, जिसको जिसी के तहत यहाँ इनके जो खेती का हो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कितना नुकसान हुआ है? बहुत हुआ 85% नुकसान हुआ ना। अभी क्या लगाया है आपने खेती में? अभी कुछ नहीं, अभी मेथी है और कोथिंबीर है। क्या कहेंगे 10 साल सरकार है? अभी मोदी जी बोल रहे कि अब की बार 400 पार, और वो 400 पार करने के लिए यहाँ से मतलब उन्होंने ठान लिया है कि 400 पार कर लेंगे। आपका क्या मानना है? क्या कहेंगे आप, काय म्हणायचं तुम्हाला? मोदी म्हणतात की यावेळी 400 पार करणार आणि परत सत्तेत येणार, पण 10 वर्ष त्यांनी काम वगैरे व्यवस्थित केलंय का? मैंने मराठी मॅनसे हे पूछा, केलं काही काम केलं म्हणा मोदी सरकारचं? दोन काम सांगा मला, काय केलं? कंट्रोल फुकट दिला, 60 वर्षाचे भरलेले मानधन किती? 1500। तेवढ्यात घर चालतं का एक महिना? नाही चालत, नाही चालत। इन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने कुछ काम किए, तो मैंने उनसे पूछा दो काम बताओ। उन्होंने दो काम ऐसे बोला कि जो राशन, मुफ्त राशन है, मुफ्त राशन उन्होंने दिया है। लेकिन बड़ी विचार करने वाली ये बात है कि आज भी इंडिया में लोगों को मुफ्त राशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या कहेंगे आप, क्या काम किया है मोदी जी ने? अच्छा कुछ नहीं करता है, बैठा है, बैठा। काम किया है या नहीं मोदी जी ने? कौन सा काम करता है ये दिखता है क्या? बैठना रहना रहना खाना फिर क्या? आप क्या काम करते हो? आप काटने निकम्पन। लोकसभा इलेक्शन जो आ रहे हैं, जे लोकसभेचे इलेक्शन येत आहे आता, काय वाटतं तुम्हाला? 10 वर्षात गेलं काम केलंय मोदी सरकार? काम नाही, काय काहीच नाही केलंय, काही होत नाही, सोडत नाही। ते तर म्हणतात की लय काम केलं म्हणून। हो तसं म्हणते, भाव कुछ है, कापूस काय नाही, रोजी नाही, कमी आहे, क्या है? इनसे मैंने पूछा कि क्या काम किए मोदी सरकार ने, तो ये कह रहे कि कुछ नहीं काम किया। इनकी मेन मांग जो है, मुख्य जो मुद्दा है वो है कपास। कपास यानी रुई का भाव जो है उनको चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है विदर्भ में, नागपुर के आसपास हो या विदर्भ रीजन में, वो है कपास का उत्पादन। कपास का भाव कम होने के कारण यहाँ के जो किसान हैं वो बड़े चिंतित है। और पिछले हफ्ते ही यहाँ पर बारिश हुई थी, उसकी वजह से यहाँ के खेतों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये गांव कस्बे के लोग किसे चुनते हैं। जो पिछले 10 साल से सरकार है वो अभी बोल रही है अब की बार 400 पार, विकास के नाम पर ये वोट मांगने जा रही है, लेकिन ज़मीनी तौर पर हालात बहुत ही ख़राब है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।